जी मास्टर ग्रुप की तरफ से। और फ्रेंड आज स्टार्ट करेंगे हम अपना रिगिंग का पार्ट, जो कि एक मैनुअली मैंने एक रिग कर रखी है। अपने बताता हूँ मैं आपको, है जो हमारे पास, ठीक है, तो इसमें हम बंद कर लेते हैं और हमारे पास जो रिग है रिग टू को ऑन कर लेते हैं, जो कि मेरे पास स्किन इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ठीक है, पोज मोड से हम वापस आते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाले को, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको आप देखोगे ये, ठीक है। तो अभी छोटा सा इश्यू है ये, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये है कौन सा, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मोज का है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एडिट मोड में, सिलेक्ट वायर फ्रेम एंड सिलेक्ट, ठीक है, इसको एल, कंट्रोल एल। फिर हम क्या करते हैं, आते हैं अपने वर्टेक्स के अंदर और हेड पे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक, वापस आओ और चेक करो, ठीक है। ये फिर वापस आके आप क्या करो, अपने वापस आते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और सिलेक्ट और, ठीक है, एंड जी एस, फिर सेव कर लेते हैं फाइल को। और क्या करते हैं हम, अब हमारे लिए जो वेट है, जो हमने इस पे वेट दिया है, ये वाला, ये वेट मुझे चाहिए अपने बाबा जी वन पर, ठीक, इस पर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, अप्लाई करके भी वाला, ठीक है, इस पर मुझे ये वेट चाहिए, अपना बाबा जी टू का बाबा जी वन पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक आती है, अगर हो सकता है कभी कभी कि आपको इसके अंदर ना मिले वो जो मॉडिफायर आता है हमारा, तो हमें इसमें मिल जाएगा वो मॉडिफायर, ठीक है। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें मिल जाएगा आपको, सिस्टम ठीक है। आते हैं यहाँ, और यहाँ से मेकअप जो जो हमारे पास ये है, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली कि जो मेरे पास, वैसे तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी पूरी रिग कर रखी है, ये देखिए, ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक की रिग जो है वो हटा देते हैं हम, अपने बाबा जी हमारे पास जो है ये, इनको छोड़ देते हैं बाबा जी को जो है हमारे पास, इनको नाम दे देते हैं बाबा जी 5, ठीक है, बाबा जी डॉट 5, ठीक है। एंड बाबा जी को इनको अच्छे रहने देते हैं और इनको थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं, एंड बाबा जी 4 को ऑन कर लेते हैं जो हमारे पास है ये, ठीक है, इनका जो हमारे पास है बाबा जी 4। एंड हम क्या करेंगे, सिंगल आर्मेचर पे जो है हम केवल इस पर अप्लाई करेंगे, अभी आप देखोगे तो इस पर भी होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मेरे पास मेरा मॉडल है, उस मॉडल के और जो हमारे पास है वर्टेक्स, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो हमने हमारा जो स्क्रीन पर होती है, स्क्रीन के बाद में वर्टेक्स ग्रुप को बन जाते हैं वो, उनको हम यहाँ से इंस्टॉल कर देते हैं, सॉरी हटा देते हैं अपने। और अब चेक करोगे आप, ये देखिए कुछ नहीं है। उसके बाद आप फिर आओ इसके अंदर, और मॉडिफायर हैं आपके पास ये, आप चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, ठीक है, वरना आप एक काम करो, यहाँ सेलेक्ट हटाओ, सेलेक्ट करो इससे इसको और इसको, ठीक है, और अपने मॉडिफायर के अंदर आओगे आप तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, आर्मेचर का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, सेलेक्ट करो इसको और राइट क्लिक करो, अब वो कंट्रोल पी और एम्प्टी ग्रुप, ठीक है, इस पर कर लो, तो हमारा जो ग्रुप होगा वो केवल एम्प्टी होगा, आप इस पर रिग नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपका जो होगा ये एनिमेट नहीं होगा, ये देखिए, ठीक है। अब आपको मैनुअली वेट डालना पड़ेगा, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, उसके लिए अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है अपने जो पार्ट है हमारे पास, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो ग्रुप यहाँ पर है हमारे पास ऑलरेडी बन गया, वोट वर्क नहीं करेंगे ये, ठीक है, मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, मॉडिफायर के अंदर आएंगे, मॉडिफायर के अंदर आने के बाद हमें देना है डाटा ट्रांसफर का ऑप्शन, इसको ऊपर लेके जाएंगे, हमें किस अपने मतलब ऑब्जेक्ट से इस पर जो डेटा है वो ट्रांसफर करना है, तो मेरे पास बाबा जी हैं ये वाले फाइल, मुझे इससे डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करोगे, सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ पर इसको अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो बाबा जी का आपका जो है, सॉरी हमारा हो रहा है आर्मी चर, बाबा जी को यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, बाबा जी फाइव पर आप करोगे तो यहाँ पर देखिए आ गया हमारा सोर्स। अब हमें क्या करना है कि यहाँ वर्टेक्स डेटा है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे वर्टेक्स डेटा पे, यहाँ पर करोगे ग्रुप पर और नियरली करना है, वर्टेक्स ग्रुप के अंदर आओगे तो हमारे लिए ऑल जितनी लेयर्स हैं इसके अंदर वो सारी चाहिए, इस पर जो है हमारी इम्पोर्ट हो जाए वाई नेम, सारी की जो है हमारी वाई नेम हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ है, जनरेट डेटा लेयर्स कर देंगे यहाँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ किया जनरेट डेटा लेयर, आप देखोगे तो ये देखिए सारी जो है वो हमारी लेयर्स आ गई। अब मुझे करना है मॉडिफायर में इसको अप्लाई कर देना है, बस सिंपल। अब आप देखोगे तो ये देखिए, ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए, तो एक जो है हमारे पास यहाँ पर ऑफ जो है वो हो गया, क्योंकि हमारे लिए इस वाले में हाँ, जो हमारे पास है कभी कभी नहीं मिलता है 2.93 में डाटा ट्रांसफर का ऑप्शन, तो वो 3.0 में मिल जाता है, इसलिए मैंने आपको इसमें बताया, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और हम यहाँ आते हैं हमारे पास जो है बाबा जी का, अभी आप देखोगे ये मेरे पास जो है आर्मेचर है, केवल जिस तरीके से मैंने आपको वहाँ बताया उसी तरीके से आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास केवल आर्मेचर ही आर्मेचर है, ये वर्टेक्स ग्रुप में देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मॉडिफायर के अंदर आते हैं, हमारे पास जो बाबा जी वन है एंड बाबा जी वन का हमें जो चाहिए, बाबा जी टू से चाहिए ट्रांसफ़र करना है हमारे लिए डाटा, जो डाटा है इसका, तो हमने बाबा जी वन से ट्रांसफ़र कर लिया आ गया। एंड हमारे पास ये है, इसको ऑन करते हैं, वाई मिक्स है हमारे पास, ग्रुप है एंड ऑल लेयर्स हमारे पास हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरेट, जैसे हम जनरेट करेंगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे, ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ जी, क्योंकि अभी मुझे इसकी थिंकिंग नहीं, ये देखिए। अब आप यहाँ से देखिए जो मैंने किया, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमने ये तो कर लिया अपना, सेव कर लेते हैं इस फाइल के लिए, क्योंकि ज़रूर पड़ेगी, इसको हम टाइमलाइन चेंज कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फिर मैं बाबा जी टू को भी बंद कर देता हूँ यहाँ से, और बाबा जी वन को भी बंद कर देता हूँ, मुझे चाहिए इसका ट्रांसफ़र करना है मुझे डेटा, ठीक है, जो है ये। अभी आप इसको भी देखोगे तो इस पर भी कोई डेटा नहीं मिलेगा, इसको क्लिक कर लो, ठीक है। तो मुझे इसका डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए भी हम सेम ट्रिक अप्लाई अपनी अपना अप्लाई वो है अपनाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आओ अपने मॉडिफायर के अंदर, मॉडिफायर के अंदर आप यहाँ आओगे, ठीक है, और डाटा ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डाटा ट्रांसफ़र भी आओगे, डाटा ट्रांसफ़र को ऊपर लेके आना है, आर्मेचर नीचे, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए जो ट्रांसफ़र करना है, हमें करना है बाबा जी फाइव का, ठीक है। तो बाबा जी फाइव का जो हमारे पास है, हमने क्लिक किया एंड बाबा जी फाइव पर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ग्रुप है, हमें जो है चाहिए वर्टेक्स ग्रुप नियरली, ठीक है, वर्टेक्स ग्रुप है हमारे पास ये है, तो ऑल लेयर्स हैं, ठीक है, जनरेट कर दो, अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद चेक, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सिंगल क्लिक में, क्योंकि हमें इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर हमें मेरे लिए ये ट्रिक आता है, मोस्टली जो लोग हैं हमारे, मेरे हिसाब से तो जितने हमारे फ्रेंड होंगे वो लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करते होंगे, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इसका हो गया, मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको करता हूँ अपना ऑल्ट जी ऑल्ट आर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने, हमारे पास जो है इसका मॉडल का नाम, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आते हैं, सिलेक्ट करते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि अब इसकी नीड नहीं, इसकी नीड है हमें, तो हम यहाँ पर देते हैं नाम, इसको चेंज करते हैं। फिर जो हमारे पास है ये, इनको बंद कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से। फिर आते हैं यहाँ पर
ऑलरेडी नाम है हमारे पास, पढ़ोगे ठीक है। अब हमारे पास है ये क्या नाम है इसका, मुत्तू। तो इसको नत्थू को ऑफ कर लेते हैं क्योंकि नत्थू की जरूरत नहीं, अब मुत्तू की जरूरत है ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ है नाम, पढ़ा हुआ नहीं है तो यहाँ नाम दे दो मुत्तू ठीक है। फिर क्या करूँ, सिलेक्ट करो अपना इसी आर्मेचर को, और आर्मेचर को सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आओ आप अपने डाटा ट्रांसफर पे, डाटा ट्रांसफर को ऊपर करके लाओ ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नत्थू का आर्मेचर है ठीक है, नत्थू ये, तो यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर नत्थू ठीक है आ गया। एंड हमारे लिए वर्टेक्स डेटा ग्रुप पे क्लिक करना है, एंड वर्टेक्स पर, और उसके बाद यहाँ से हम जनरेट करेंगे अपने डाटा लेयर्स के लिए और अप्लाई ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा वो परेशानी की कोई बात नहीं ठीक है। एंड हम यहाँ अपने जो देखे हैं उनको चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो लेयर्स हैं ठीक है, आर पाई एक्सिस ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने पहले जो है वो गलती कर दी, पहले से इसे सॉल्व कर लेना चाहिए था ठीक है। इस तरीके से, सॉरी ठीक है। फिर आप आओ यहाँ, और यहाँ से हमारा हैंड है एल, मतलब लेफ्ट है ये हैंड, तो आप यहाँ से इसके हैंड को अपने सेलेक्ट करो, हैंड एल एंड अप्लाई करो वन इस तरीके से ठीक है। सेलेक्ट, फिर ये पकड़ो, ये पकड़ो, फिर ये वाला, सॉरी ये वाला जो है वो गलत हो गया, यहाँ से ये वाला जाएगा ठीक है। कुछ इस तरीके से शो अप होगा, अब देखिए ठीक है। सेम यहाँ पर आओ ठीक है, असाइन सेलेक्ट असाइन, इसी तरीके से हम इधर ले आते हैं अपना जो हमारे पास है, एंड सेलेक्ट 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 ठीक है। और ये हमारा आल जो है आर, तो हमारा हैंड आर है ठीक। फिर ये वाला भी रह गया, एंड आर सिलेक्ट 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 एंड आर ठीक। ये इशू क्यों होया, ऐसा होता नहीं। फिर अभी जो अच्छा धोखे से दूसरी सिलेक्ट हो गई, ओके। तो अब हमारे पास जो है वो तैयार है हमारी, इसको सिलेक्ट करो एंड जी आर एस ठीक, एंड बैक आओ और चेक करो। इनका नाम क्या है भाई साहब, तो वो नाम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो नाम है ये मुत्तू है ठीक है। फिर हमें इसी सेम ट्रिक से जो है अपने फीमेल को भी डालना है, तो हमारे पास जो फीमेल है इसको ऑन कर लेते हैं और मुत्तू को ऑफ कर देते हैं ठीक। मुत्तू को ऑफ और फीमेल ऑन, फीमेल ये है हमारे पास, तो इनको नाम दे दो फीमेल, चाहो तो दे दो कोई वर्ण, इतना बड़ा इशू नहीं है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है। फीमेल, उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि हाँ हमारा जो मॉडल है वो पूरा सही है, हाँ ठीक है। एंड ये जो हमारे पास साइज है इनकी हमें नीड नहीं है, तो यहाँ से इनको ऑफ करो, रेंडम में शो ना हो ठीक है इस तरीके से, लेकिन ये हमारे लिए तो शो होना चाहिए। फिर सिलेक्ट करो अपने इसी के लिए, आर्मेचर के अंदर जाओ, डाटा ट्रांसफर के अंदर, डाटा ट्रांसफर को ऊपर लाओ, और हमारे पास जो मुक्तु भैया हैं उनको जो है अपने सोर्स फाइल में लो, एंड वर्टेक्स ग्रुप को ऑन करो, एंड वर्टेक्स ग्रुप एंड जनरेट लेयर्स और अप्लाई ठीक है।
जी ठीक है, फिर तो चेक करो। सही है, सही है। उसके बाद हमारे पास जो है, हमारा एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती हमसे हो ही रही है लगता है। ठीक है, ये ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसे पहले, एंड आल्ट के साथ। जी यार, मुत्तू भाई को पकड़ते हैं, फिर दोबारा से फीमेल को कर लेते हैं ऑफ। ओके, मुत्तू भाई को ऑन कर लेते हैं। मुत्तू भाई ये हैं, एडिट मोड सेलेक्ट, एंड इसको इस तरीके से करो। एंड हमारे पास जो ये आर्म है, इस आर्म को सेलेक्ट करो, ये वाला, ये। फिर वर्टेक्स के अंदर आओ, आर्म फोर है हमारा ये, असाइन। ठीक है, इसी तरीके से इधर आओ, और ये हमारे पास है आर्म फोर डॉट आर का, तो यहाँ आर। सिलेक्ट, फिर दोबारा से फीमेल को सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मुत्तू भाई को ऑफ कर लो, फीमेल ऑन सेलेक्ट, क्योंकि इतने वो पार्ट्स हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं रहता कि किसको किस तरीके से करना है। ठीक है, फिर आओ यहाँ डाटा ट्रांसफर के अंदर, डाटा ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर के अंदर ऊपर लेके आओ इसको, आर्मेचर के अंदर, एंड क्लिक करो राइट, एंड मुत्तू भाई ये हैं, क्लिक मुत्तू भाई। और हमें करना है यहाँ अपने ग्रुप को, एंड इसके अंदर ठीक है भाई, लेयर एंड जनरेट लेयर असाइन। ठीक है, फिर सेलेक्ट करो इसे और चेक करो। ठीक है, ओके, सेलेक्ट एस एंड सेलेक्ट करो उसको, एंड अपने ऑब्जेक्ट मोड में आओ, और ऑब्जेक्ट मोड के बाद इसे ऑफ कर दो, क्योंकि फीमेल की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सत्तू भाई की, एंड सत्तू ये हमारे पास सेलेक्ट। ठीक है, एंड जो है ना चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, चाइल्ड एंड पेरेंट कंट्रोल के साथ जे सिलेक्ट करो और चेक करो। ठीक है, एग्रो जो है वो लग जा रही है, फिर सिलेक्ट करो कंट्रोल जे सिलेक्ट। ठीक है, एंड हमारे पास जो आइज हैं, इन आइज को ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि इनकी हमें नीड नहीं। ठीक है, ठीक है, सॉरी सत्तू भाई को रखना है। ठीक है, अब दोबारा से सेम ट्रिक को अप्लाई करो। इसी तरीके से हमारे डाटा ट्रांसफर के अंदर, डाटा ट्रांसफर के अंदर हमने क्या करना है, मुत्तू भाई को जो है उसको, मुत्तू भाई के मैच को लेना है यहाँ पर, मुत्तू भाई का ये मैच है। ठीक है, एंड वर्टेक्स को ऑन करना है, चेक करना है, ग्रुप के अंदर आना है नियर में, फिर ठीक है एंड असाइन। ठीक है, और क्यों नहीं हुआ पता है, इसका भी एक रीज़न है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरा आर्मेचर ऊपर था, डाटा ट्रांसफर नीचे था। ठीक है, इसलिए ये नहीं हुआ, तो हम सेलेक्ट करते हैं फिर से, हमारा जो है सब कुछ ठीक है, एंड अप्लाई। अरे भाई क्यों नहीं हुआ क्या बात, कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार करते हैं अपना सेलेक्ट डाटा ट्रांसफर, एंड इसको ऊपर लाते हैं। ऊपर लाने के बाद में मुत्तू, और उसके बाद वर्टेक्स नियर। ठीक है भाई, आल देयर, ठीक है, जनरेट अप्लाई। ठीक है, हो गया, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो हम छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए, इतनी बड़े, इतना बड़ा इशू नहीं है। एडिट मोड में आओ,
इसको सिलेक्ट करो और एडिट मोड में, ठीक है, एडिट 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 मोड, ठीक है, वायरफ्रेम में आओ, सेलेक्ट करो कंट्रोल के साथ एल, और ये हेड भी जाएगा हमारा, तो सीधा हेड सेलेक्ट करो, हेड मतलब, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सेलेक्ट और सेव। तो फिर हमारा ये पार्ट जो है अपना रिगिंग का और स्क्रीनिंग का कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो पार्ट चलेगा वो चलेगा, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो मैं हमारा है पार्ट वो चलेगा हमारा आई का, ठीक है, किस तरीके से हम जो है उस पर अपने आई को पे वर्क करेंगे, जैसे कि ये भी ये है, ठीक है, एंड इसको हम बड़ा कर लेते हैं और अपने आते हैं यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और अपनी जो हमारे पास लिप्स हैं भी बेसिकली ये लिप्स ही है, लिप्स में आई है, आई, ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से जो ब्लिंक कर रहा है, हमें इस पे काम करना है। तो मैं इन सारे कंट्रोल्स को किस तरीके से क्रिएट करूँगा उस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट अपना वीडियो जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी लिप्स को लिया है, मैं मटेरियल के अंदर आता हूँ, यहाँ मैं लिप्स को ले लेता हूँ, तो भी आपको मैं लिप्स दिखाऊंगा, ये देखिए जीरो कर लेते हैं, और ये देखिए, ठीक है, तो ये है हमारे पास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।